सो हेलो, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ बढ़िया होंगे। तो इंट्रो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। मैं आज डिटेलिंग देने वाला हूँ केदारकंठा ट्रैक के बारे में, जो कि आज से 3-4 साल पहले उतने फेमस नहीं थे, लेकिन अभी हर एक बंदा अगर ट्रैकिंग पे जाना चाहता है तो वो है केदारकंठा। तो पहले आप ये देख के आओ। Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's had a... तो कैसी लगी आपको ये सिनेमैटिक टोटल? ये ट्रैकिंग होता है 4 से 5 दिनों का होता है, ठीक है? तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ कि सबसे पहले थॉट आता है कि कैसे कहाँ जाए। तो आपके नज़दीकी रेलवे स्टेशन, फ्लाइट या फिर जो भी आपका है ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम, तो उससे आप सबसे पहले आप देहरादून जाओ, ठीक है? अगर दिल्ली है तो दिल्ली जा सकते हो डायरेक्टली, वहाँ से बस मिल जाएगी आपको देहरादून की। और अगर आप अदर साइड से हो, लाइक आप कोलकाता से आ रहे हो या फिर अदर साइड से, तो डायरेक्ट ट्रेन चलती है वहाँ की, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देहरादून पहुँचो, वहाँ से आप टूर एजेंसी कौन से बुक करें? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। तो मैं बताता हूँ, सारे टूर एजेंसी वाइज बेस्ट है। तो जिस भी टाइम जो टूर एजेंसी अच्छी रेट दे, जैसे 5,000, 6,000, 7,000 इतना लगता है उनका, तो अगर कुछ डिस्काउंट दे तो उनसे फटाफट बुक कर लो, क्योंकि फैसिलिटी वहाँ सारी मिलने वाली है। आप आगे वीडियो में देखोगे, मैं पूरा जो एपिसोड है, हॉल एपिसोड, उसको इसमें घुसेड़ने वाला हूँ एक वीडियो के अंदर। तो होता है ये, देन आप वहाँ से निकलोगे देहरादून से साकरी के लिए फर्स्ट डे, ठीक है? फर्स्ट डे ऑफ पैकेज देहरादून टू साकरी। सेकेंड डे में आपको जाना पड़ेगा, स्टार्ट होगी आपकी ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में आपको क्या क्या ले जाने? अगर आप विंटर स्नो के टाइम में जा रहे हो तो प्रॉपर 2 ट्रैक पैंट, मोटी वाली 2 जैकेट, इनर सॉक्स, वूलन और कॉटन दोनों, स्टिक, कैप, प्रॉपर आपका थर्मल अप एंड डाउन दोनों, और एक कैरी बैग पकड़ सकते हो, लाइक जिसमें आपके वाटरप्रूफ बन जाए फ़ोन। एक पोंचो, अगर आपका माउंटेन का कुछ भरोसा नहीं होता है कि मुंबई की बारिश और माउंटेन का मौसम कोई भरोसा नहीं है, ठीक है? तो ये आप पकड़ सकते हो, आपको अच्छी लगेगी, मतलब आप सेफली जाओ, अच्छे से जाओ, बस यही चाहता हूँ मैं। और डे सेकेंड, फर्स्ट डे आपको साकरी पहुँच गए, सब कुछ लंच वंच डिनर वगैरह करने का। सेकेंड डे आप अर्ली मॉर्निंग उठोगे, देन वहाँ से जाओगे आप जूडा का तालाब, देन वहाँ से नेक्स्ट डे केदारकंठा बेस कैंप। केदारकंठा बेस कैंप रात में आपको उठाएंगे वो 2 बजे के, आप लोग कुछ खाने को देंगे, बोलेंगे आप चलो, तो वहाँ से सीधे सबमिट, देन सबमिट में सारे मजे वजे कर लिए, ठीक है? देन वहाँ से आप नीचे उतरोगे, नीचे उतरने के बाद आप सीधे बेस कैंप में डिनर या लंच करोगे, ठीक है? अब सीधे डिनर करोगे आप जूडा के तालाब में सेम डे, आपको इतनी लंबी ट्रैकिंग होने वाली उस दिन। देन उसके अगले दिन साकरी, देन देहरादून, ट्रैक ख़त्म। बजट की बात करें तो आप यार ऑनलाइन चेक कर सकते हो, आपको मिनिमम रेट मिल जाएगी, जो भी आपकी कॉस्टिंग आएगी, चाहे फ्लाइट से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो। फ्लाइट से जा रहे हो तो आपकी महंगी होने वाली है, अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो थोड़ी कम पड़ेगी रेट, अकॉर्डिंग वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना होने वाला है। मिनिमम होता है देहरादून टू देहरादून का 6,000 से 6,700, 800, मतलब मैक्सिमम 7,500 जाता है, ठीक है? और अगर आप साकरी टू साकरी तो 5,000, 5,500, 6,000, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। तो आपको बाकी वेयरिंग खर्चा, मतलब लाइक साकरी पहुंचने का खर्चा, अगर आप लोकल बस से जाओगे तो आपको 350 रुपये लगेंगे, और अगर आप प्राइवेट करके जाओगे तो फिर आपको 800 से 1,000 रुपये पे करने पड़ सकते हैं एक साइड के। तो कुल मिला के यार सेम बात है, आप देहरादून टू देहरादून का ले सकते हो, ज़्यादा बेटर है। तो होप करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, और आप बस वीडियो पे बने रहें और पूरे 4 एपिसोड का मजा एक मिले। और आपको अगर 4 एपिसोड देखना है डिटेलिंग, तो मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ लिंक है, पढ़ा हुआ देखो और वीडियो को सपोर्ट करो। सो ये गाइस, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, घरों में अपने मौज कर रहे होंगे। लेकिन मैं यहाँ देहरादून में अभी ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है पूरी तरह से, मतलब कल तक मैं बेड में था और लिटरली अभी उठा, और मेरा आज ट्रैकिंग है केदारकंठा के लिए, आज है फर्स्ट डे। तो अभी हमारी जो कैब है वो खड़ी है रेलवे स्टेशन में, तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा। तो मैं कुछ बातें शेयर करता हूँ आपसे कि यार यहाँ आने के बाद, देहरादून आने के बाद सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ रहें। तो होटल आपको देहरादून के स्टेशन के अगल बगल में मिल जाएंगे, और अर्ली मॉर्निंग आपकी जो आप बुकिंग करोगे, जिस भी स्लॉट में करोगे, जहाँ से भी करोगे, अर्ली मॉर्निंग आपको इस टाइप की एक वैन मिल जाएगी, जिसकी लोकेशन और डिटेल आपको आपके टूर गाइड भेज देंगे। फिर आपको कुछ नहीं करना है, आके बैठ जाना है, वो आपको साकरी ले जाएगी। तो यहाँ से हमारी शुरुआत होती है साकरी गांव की। आप
अबाउट 1 आवर हम पहुंच चुके हैं मसूरी एंड यहां से जो है स्नो कवर पीक्स दिखना शुरू हो गए हैं। तो अब लग रहा है गुरु को पहाड़ों पे आ चुके हैं। और आज का जो पहला स्टॉपेज था वो था कैंपटी फॉल में, और यहां पे काफी सारा रेस्टोरेंट है तो वहां पे हमने ब्रेकफास्ट किया। ये है धौली यमुना रिवर, और क्या ही प्यारी लग रही है, जो ग्लेशियर से ठंडे ठंडे पानी आ रहे हैं ना। मैं कैप पहना हुआ तो पूरा देखो, दिन से जब से पहना हूँ कैप ही पहना हूँ, और अभी जब खोला तो यार ठंडी पानी जब पड़ी ना एकदम दिमाग फ्रेश हो गया। किलोमीटर से कोई फ्रैंक नहीं था, अभी सब फ्रैंक हो गए क्या? अब मजा आएगा ना वीडियो, मजा आएगा। एक और अभी हम लोग अपना मील लेने वाले हैं, जो कि हमारा लंच। आज लंच में क्या है आप खुद ही देख लो, रोटी चपाती एग करी, बस सिंपल है बॉस, ये खाना है। और ये व्यू को एंजॉय करके खाना है। पहुंच चुके हैं साकरी गांव, और हम अभी जा रहे हैं यहां से नीचे अपने होटल के लिए। और यहां से क्या सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं, मैं दिखाता हूं एक मिनट। सो आज का हमारा स्टे है, स्टे कम हॉस्टल ज्यादा। एक बेड इधर, एक बेड इधर, एक बेड इधर, एक बेड इधर, एक बेड इधर। तो ये है आज हमारा स्टे बोर्ड। सो आज का हमारा आते के साथ जो है वो ब्रेकफास्ट है, आलू के पकौड़े एंड चाय। इसका अलग मजा है, क्या अलग मजा है इसका। मेरा नाम सुभाष रावत है और मैं ट्रैकअप इंडिया से ट्रैक मैनेजर एंड स्लो मैनेजर हूं यहां पे। प्रथम सुनामी तरुण पैशनेट पूजा रैविशिंग रीमा काफी सारी डिटेल हमें बताई गई यहाँ पे, लाइक आपको क्या ले जाने हैं, क्या नहीं ले जाने हैं, बैकपैक कैसे पैक करने हैं, सारे रूल एंड रेगुलेशन सब कुछ हमें बता दिया गया। और अब डिनर करके अब थोड़ा थक गए हैं, रेस्ट भी जरूरी है, मॉर्निंग 6 o'clock उठनी भी है, तो अभी जाते हैं हम सोने के लिए। तो यही है हमारा आज का जो भी है, यही एडजस्ट कर लेते हैं, कल मिलते हैं आपसे सुबह। मॉर्निंग फ्रॉम साकरी, और आज हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि आज है साकरी ट्रैक केदारकंठा ट्रैक का पार्ट 2, मतलब डे 2 है आज। तो आज हमारी स्टार्ट होने वाली है ट्रैकिंग। अर्ली मॉर्निंग 5 में उठे, सारे फ्रेश व्रेश हुए, और क्या ही चिल्ड पानी थी, मतलब अगर शरीर पे आ रही है ना तो एकदम बर्दाश्त से बाहर है, अगर हाथ पे आ रही है तो हाथ पूरे रेड हो जा रहे हैं। और अभी यहाँ से चलते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह मिलेंगे, ब्रेकफास्ट मिलेंगे, वो सब करते हैं एंड देन निकलते हैं हम अपने केदारकंठा ट्रैक के लिए। सो दिन की शुरुआत होती है चाय से, क्या बोलते हैं, चेयर्स चेयर्स। ऐसे नहीं पीनी है तो मजा है। यस सर, ये हैं ट्रैक ऑफ इंडिया के कुछ फॉर्म जो कि आपको फिल करने पड़ते हैं, क्योंकि एज ए सिक्योरिटी और सेफ्टी पर्पस से है, तो हम प्रोसेस होते हैं वो हमारे सेफ्टी के लिए होते हैं। ये दोनों भैया जो हैं सारे डिटेल वगैरह लिखते हैं, अपना ऑक्सीजन लेवल कितना है, बीपी कितना है, देन आप ट्रैक पे जा सकते हो। सही बोला, बिल्कुल राइट। तो ये सामान ले जाने के काम में आते हैं पहाड़ों पे। ब्रो सब ठीक है, बढ़िया, चलता हूँ फिर मैं। तो यहाँ से हो गई हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट, और आज की जो टोटल जर्नी होगी वो 4 to 5 kilometers होगी, और जो पहला स्टॉपेज होगा वो जुड़ा का तालाब होगा। काफी रोमांटिक से मॉर्निंग लग रही है, क्या प्यारा व्यू आ रहा है उधर। मेरे जस्ट पीछे है हर की डुंके वैली हो रही, व्यू आ रहा है यार, वैली एक माउंटेन के पीछे माउंटेन के पीछे माउंटेन, ना जाने कितने माउंटेन दिख रहे हैं पीछे। 100 80 80 केजी बाबा,
1, 2, 3 शेरशाह बटालियन ध्यान देगी हमारा फर्स्ट टी ब्रेक यहाँ पे होने वाला है। शेरशाह बटालियन ध्यान देगी हमारा फर्स्ट टी ब्रेक यहाँ होने वाला है। सारे लोग आ जाएंगे। सही था ना? हाय सर। बिस्किट, बिस्किट 10 की यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। और इस ढाबे का नाम है चाचा का ढाबा और चाचा हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। सबको हाय कर दो सर एक बार। थैंक यू। नहीं, सारे पेड़ गंजे हो गए हैं, इन्होंने ऑयलिंग नहीं की थी, इसलिए बोलती है मम्मी बालों पे तेल लगाना चाहिए। सेकंड ब्रेक है एंड फर्स्ट वाले में मैं कुछ खाया नहीं था, भूख लग रही थी, तो सेकंड वाले में खा लेते हैं। यहाँ पहाड़ों पे और एक अविनाश मिलेगा। हाथ मिलाना। वाह, कुछ बोल लो। कुछ नहीं बोलना, ऐसे मत शर्मा यार, ऐसे पहाड़ी शर्माते थोड़ी है। फाइनली 4 किलोमीटर चलने के बाद पहुंच चुके हैं जूडा के तालाब और ये अपना बेस कैंप है। काफ़ी थक गए, 2 मिनट रेस्ट करते हैं। तो आज के हमारे लंच में है सैलेड, पापड़, दाल एंड राइस। और ये खाने के बाद के हैं, ये नमक स्वाद अनुसार, स्वाद अनुसार। ये चीनी है, नहीं ये मिर्ची की अचार है, जिसको खाने के बाद पूरे शरीर में गर्मी सी आ जाएगी। ये है अपना टेंट और 4 किलोमीटर के बाद एकदम थक गए पूरा एकदम। इसकी भी हालत खराब है, उसकी भी हालत खराब है, मतलब हालत खराब हो गई आज तो। और अभी कुछ नहीं करते, सो जाते हैं, मिलते हैं आप कल। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जूडा का तालाब। अभी बज रहे हैं 6 और सच बता रहा हूँ टेम्परेचर इतनी लो थी रात में, माइनस पे चली गई थी ऑलमोस्ट। नींद नहीं आई है पूरी रात, पूरे शरीर में गंदा वाला पेन है और तबीयत तो मेरी 5 दिन से ऐसे भी ख़राब है। आजा चेस करते हैं। चीयर्स ब्रो। कैसे लेनी है पता है ना? ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं बेस कैंप के लिए। सूर्य की पहली झलक मेरे चेहरे पे फ्रॉम जूडा का तालाब। और अभी का नज़ारा मेरे पीछे कुछ ऐसा है कि कल से पूरा अलग है, ठीक है। आज के ब्रेकफास्ट में है पोहा, सूजी की हलवे, चाय। सही लगा ना ब्रेकफास्ट? कैसा है? बहुत अच्छा, तगड़ा है। वाह, मज़े आ गए सुबह सुबह। आप लोगों का पता लग गया पहाड़ी लाइफ और हिमालयन लाइफ कैसी होती है, हमारे फौजी भाई कैसे रहते हैं। आप लोग टीवी पे देखते होंगे कि यार चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब थोड़ा रियलाइज भी हो रहा आपको? जी हाँ, माइनस में कैसे रह पाते हैं, ठीक है। महादेव आ रहा है, ये भी तुम्हारे साथ ट्रैक पे जाएगा। पूछो इसे कुछ, पूछो क्या आपको कैसा लगा? बोलेगा नहीं बोल रहा है यार। गाना गा। Hey! Hey! और ये लुढ़क गया ना लकड़ी नीचे, तो तीनों लड़की भी लुढ़क गई ना। कितना मजा। सेकंड डे की हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है और ये आज का ट्रैकिंग जो थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि बहुत ज्यादा इंक्लाइन है इस पे, पूरा ऐसे ऐसे एकदम अपर के साइड है, इधर से आपको समझ में एकदम लोअर है। स्टिक एकदम मस्त नींद आ ही रही, एकदम आँख पे सूरज की रोशनी आ रही थी ना, क्या सोया मैं इधर, ये लोग खा रहे मैं सो रहा, आलसी समझ रहे होंगे। हाँ, ये देखो सामने जो यहाँ पे देखते हो आप, ये देवक्यारा वैली है। हाँ, ठीक है। और उधर को जाते हैं आप, ये हरकिदुन वैली है। हाँ, ये स्वर्गारोहिणी है। हाँ, स्वर्गारोहिणी के बगल से आपका बाली पास ट्रैक निकलता। हाँ, है ठीक है। हाँ, और बाकी की डिटेल लंबा पीक आपको ऊपर मिलेगी। थैंक यू कर दीजिए सर को। थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बधाई क्यों दे रहे हो, शादी तो नहीं हो रही है। यूट्यूब पे आपके सब्सक्राइबर बढ़े और हम भी बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे आपका चैनल।
₹5 में मुर्गे की लेग। ऐसा नहीं साला, छोटी गंगा बोल के नाली में कुदा दिया। उसको बोलता हेलो मैं तेरा बचपन का यार। ऑपरेशन करना था पेट का, साला ऑपरेशन करना था पेट का, किडनी चले गया बे। आज बड़े एनर्जेटिक लग रहे हो। आज हम हेमंत है ना। अच्छा आप कल तक क्या थे? कल तक अंकल थे। अरे लो बालाम की लोली पाप लागे लू। वो रही अपनी मंजिल, वहाँ पे कुछ लोग भी दिख रहे हैं। वही है केदारकंठा पीक, जो केदारकंठा बेस कैंप से पूरा दिख रहा है, और इधर की वादियाँ। आज का सफर पता ही नहीं चला यार। बिल्कुल मजेदार मजेदार था। इधर की क्या दिख रही है वादियाँ, एक नंबर जन्नत। 360 व्यू वही अपनी मंजिल, जहाँ आज नहीं जाएंगे, जहाँ पे जाएंगे कल, यानी आज रात में 2 बजे 3 बजे निकलेंगे, और मॉर्निंग में बढ़िया सी खूबसूरत सी सनराइज देखेंगे। गाइड कम भाई ज्यादा हैं अपने। तो भाई जी यहाँ के बारे में कुछ बताओ। बिल्कुल, आप लोग यहाँ आए, आपको कैसा लगा? अच्छा ही लगा होगा मेरे हिसाब से। अच्छा लगा यार। फर्स्ट यहाँ की लाइफस्टाइल, लाइक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाइफस्टाइल यहाँ का बहुत हार्ड है। यहाँ के जो पहाड़ी में देखो, इतना बर्फ में इतने उसमें कैसे रहते हैं? जब बर्फ गिरता है तो यहाँ पे वुडन मतलब पूरा लकड़ के घर रहते हैं। लकड़ घर में अपना स्टॉक पहले से लकड़ी काट के, फिर जब बर्फ गिरती है तो वहाँ पे अपना लकड़ जला के फिर उस लाइक ऐसे ऐसे लकड़ी घर पे, ये ऐसे घर। ये पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है, काफी खतरनाक है रे। ओ डैम, उधर आइस जमी है, तो क्या फॉल है, खूबसूरत मजेदार। और इधर थोड़ी संभल के चलने की जरूरत है, पीछे वाले माउंटेन के ग्लेशियर से। ये तो पूरा चिल्ड होगा। ओ भाई साहब, ये है आज की हमारी दूसरे दिन की स्टे, यानी कि हमारी कैंप। क्या सबसे हटकर सबसे अलग ट्रैक ऑफ इंडिया भाई, एक नंबर। यहाँ पे अपने बस कैंप है और किसी के नहीं है, और यहाँ से जो वादियों के नज़ारे वो पिछले वाले से ज़्यादा खूबसूरत है। Tell me, how I say I love you in Telugu? Nenu ninnu premistu. Slow down na. Nenu. Ninnu. Premistunna. That's mean I love you. I love you in Telugu. इससे आने के बाद ये आपको ट्रक ऑफ इंडिया के बेस कैंप मिलेगी। तो यहाँ से ये जो रॉक है, क्या खूबसूरत नज़ारा देता रहे इधर। देख रहे हो पीछे, एक नंबर व्यू लगता है। सो फाइनली आ गए हैं टेंट के अंदर, क्योंकि बाहर ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, माइनस पे चली गई। अभी बज रहे 8, और अभी जस्ट में हमने खाए दाल रोटी राइस एंड क्या सब्जी थी, जलेबी भूल गया, हाँ जलेबियाँ और भिंडी। यस, इतने अच्छे वैरायटी इतने ऊपर में खाए हमने। आज रात को जा रहे सोने, और हमें उठनी है कल, यानी कि नाइट में ही उठनी पड़ेगी 2 बजे ऑलमोस्ट, हाँ 2 बजे। और वहाँ से 5-6 घंटे लगेंगे सबमिट में पहुँचेंगे, क्योंकि जल्दी पहुँचेंगे तो सनराइज देख पाएंगे, तब मजा आएगा। करता हूँ बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, और गेस करो मैं कहाँ हूँ, ऑब्वियसली केदारकंठा पीक पे। और गुड मॉर्निंग फ्रॉम द टॉप ऑफ उत्तराखंड, 12,500 फीट पे अभी हैं, यहाँ से गुड मॉर्निंग आपको कर रहे हैं। सो ये पूरी होल स्टोरी जानने के लिए आपको वीडियो के पीछे जाना पड़ेगा, तो अभी लेकर चलता हूँ मैं। जल्दी और आराम से दोनों से चलो। यूट्यूबर तुम्हारे साथ है, लाइव चल रहे हैं। आई कैन होल्ड माई सेल्फ। और हम पहुंचने वाले हैं पीक, और ये ओपन वैली पे है अभी। क्या खूबसूरत लग रहे हैं अभी, जो हल्के हल्के मून के लाइट पड़ वो बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत है। लाइट दे रहे, बहुत अच्छे लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है चढ़ाई करने में। रात में पता नहीं चल रहा ना, लेकिन उधर दूर में देखना क्या दिख रहा है रे, उधर जिसपे ऑलमोस्ट फट जाते हैं भाई। और यहाँ से क्या दिख रहा है नज़ारा, यहाँ से लास्ट वन बची है, देन सनराइज ऑलमोस्ट होने वाला है। तो करते हैं कैमरा को बंद और मिलता हूँ सीधे ऊपर। वी डिड इट,
ए गोल्ड मेडल मेरे को मिलना मिलता है ना वो ये रॉक देखने को तरस गया था आके मैम मैं सोचा नहीं था आपकी एज अमेजिंग व्हाट्स योर एज बाबा मैं नहीं आ पाऊंगा अपन बुड्ढे हो जाएंगे 30 तक कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन मैम चलो ऊपर चलते हैं नहीं वो मेन है ना वहाँ से जो व्यू आती है ना भाई कातिल हाँ वहाँ से हर एक बहुत अच्छी बात बोलता हूँ मेरे को किसी ने बोला था मैं आपको बोलता हूँ कि जो पहाड़ों पे चलते हैं वो समतल में कभी गिरते नहीं है वाह You don't see the things I see I'll tell you things you won't believe फाइनली हम हैं केदारकंटा के पीक पे और जैसा सोचा था ना उससे कई ज़्यादा खूबसूरत है बॉस अगर मन में ख्याल आए कि यार केदारकंटा जाना है या फिर कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को आप डीएम कर सकते हो इंस्टा जयसवाल और आप देखो ये 360 व्यू लुक एट दिस व्यू यार इट्स अमेजिंग मतलब चारों साइड के जो नज़ारे हैं वो अलग से हैं इधर आपको दिख रहे होंगे पीक्स स्नो पीक्स और उधर है जहाँ से मज़े लेते हैं सब ये पूरा वैली टाइप है उधर है और दूर दूर तक आपको वैली दिखेगी और इधर से होती है सनराइज ये वाली पोर्शन मेरी फेवरेट बन चुकी है यहाँ की I hear them all those places calling me To never give up, to never back down You get through the storm Even the nights the darkest before the dawn Live your life, live your dream It's the sound of soul in me Live your dream I hear them all those places calling me To never give up, to never back down You get through the storm Even the nights the darkest before the dawn Live your life, live your dream It's the sound of soul in me Live your dream Oh, oh, oh you even jubilee चांचल बुग्याल चांचल बुग्याल आपके लेफ्ट में हो गया ओके भराट सर देव क्यारा हाँ देव क्यारा के बाद आपका आ गया इधर हर की धुन वैली ये हर की धुन वैली है हर की धुन ये अंदर को जा रही है ठीक है ओके हाँ ये स्वर्ग रोहिणी है हाँ इसके पीछे ब्लैक पिक है ब्लैक पिक इसके पीछे है बंदर पूंछ है ये बंदर पूंछ हाँ, DKD1 DKD2 दमदार कांडी दमदार कांडी कहाँ है इसका नाम है दमदार कांडी यहाँ का लोकल वर्ड दमदार स्वर्ग रोहिणी अभी तक एक ऐसा यहाँ पे पिक है जो अभी तक अनक्लाइम्ड है कोई नहीं जा पाया भी नहीं किया पाए जो कि आप सामने मतलब बहुत ज्यादा हार्ड है हाँ देखो यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं जो बड़ी वाली दिख रही है चार सिंह उत्तराखंड ऐसे बढ़िया डाउन है पूरे पर घुटनों की थोड़ा लगेगी वाट लगेगी लगेगी थोड़ा यहाँ से आगे जाएंगे टी पॉइंट है मैगी खाएंगे चाय पियेंगे फिर वहाँ से अपने कैंप साइड पे जाएंगे राजमा दाल चावल खाएंगे आज आए आए कैप्टन It was not easy from the start. There were days when I fell apart. Just keep following your heart. It's the sound of soul in me. In me, live your life, live your dream. तो आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हो टेंपल और यार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आके कोई ऐसी अश्लीलता ना करे कचरे ना फैलाए ऐसा कुछ ना करे कि पहाड़ों को तकलीफ हो अगर पहाड़ों को तकलीफ होगी तो कहीं ना कहीं नेचर हमें वो थ्रोबैक करेगी जय वंदे मातरम वंदे मातरम हर महादेव हर महादेव It was not easy from the start. There were days when I उतरना भी इजी है चढ़ना भी इजी है सब इजी है हो गया फाइनली केदारकंटा हमारा बहुत अच्छा लगा जब तक एक बात है जब तक आपको माउंटेन बुलाएंगे नहीं ना तब तक आप आओगे नहीं और ये नज़ारा देखो
वेट सीरियस क्या लग रही है यार पहाड़। फाइनली पहुंच गया और सबसे पहले पहुंचा यहां से। आज स्टे है यहां, लंच मिलेगी और मैं अभी पैकिंग वैकिंग कर रहा हूं। यहां से लंच मिलेगी देन निकलेंगे जोड़ा तालाब के लिए, यहां से केदारकंटा बेस कैंप से, देन वहां से साकरी कल, ठीक है कल मॉर्निंग, देन साकरी से अपना देहरादून। सो वो सब दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब चलता है। तो यार वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फैला डालो। और आपका भाई बहुत मेहनत कर रहा है, नया नया कंटेंट दे रहा है, तो डू शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मज़ा आ गया।